सीपीएसपी मॉन्यूमेंट ये कई दिन से लिखता है। हाँ कोई स्टूडेंट है कोई अभी से कैंट्रोल होगा चलो सुनोगे चलो चलो भैया लेक्चर में थोड़ा विलंब है लेकिन कोई बात नहीं वी विल ट्राई टू कंट्रोल सारी थिंग्स। अब देखो ध्यान सबसे हाँ सारी थिंग्स मतलब सभी चीजें कंट्रोल करेंगे यानी एक्ट के साथ। अब कल जो लोग आए थे उनको अच्छे से समझ आया होगा कि संसद दो प्रकार के कार्य करती है। कौन से कार्य करती है? एक सत्र चलाती है और एक बीच बीच में सत्र को रोकती है। कोई डाउट कितने सत्र होते हैं ये बताएंगे पीछे शिवानी कराएंगे आप सही आएंगे छुट्टी मार दी चलो भावना कितने सेशन होते हैं तीन कौन कौन से अब बातें बंद हाँ चल रही है विंटर मॉनसून पतझड़ बाहर चलो कोई बात तीन होते हैं मैंने कार की ट्रिप बताई थी भैया ठीक है कौन कौन से बजट विंटर कोई डाउट इसमें से सबसे ज्यादा समय तक कौन सा सत्र चलता है वो सब सामने लिखा हुआ है। बजट सत्र सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलता है। अगर कोई आपसे ये चीज पूछे मैंने इसका आंसर कल सर्च करा क्योंकि मैंने पूजा से भी पूछा था पूजा ने कहा कि सर सत्र को लैप्स कर तो सकते हैं लेकिन ये डाउट था तो जब मैंने सर्च करा तो इसका फाइनल आंसर ये मिला कि जब कोई भी तरीके का बजट मॉनसून और ये शीतकालीन जो सत्र है कहीं नहीं लिखा है कि तुम्हें तीनों सत्र पूरे करने ही करने हैं तो आप सत्र को स्किप भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो जाए हाँ वीडियो चल रही क्योंकि कुछ भी हो जाए साल में दो बार तो संसद को मिलना ही मिलना है यानी कितना भी गैप हो जाएगा दो सत्र तो हो ही जाएंगे। लेकिन इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रूल नहीं है कि बजट मॉनसून विंटर में से कौन सा सेशन होगा कौन सा सेशन नहीं होगा या किसको छोड़ सकते हैं। कोई डाउट कोई डाउट सत्र का मतलब जैसे आपने बीए करा तीन साल का 2020 से लेकर 2023 तक ऐसी संसद अपने पूरे कार्यकाल को सत्र में डिवाइड करती है। प्रति वर्ष को तीन तरीके के अलग अलग महीनों में फरवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा टाइम बांट लेती है। अगर बीच में चुनाव भी आ जाते हैं जैसे मई में चुनाव हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कभी कभी बजट सत्र नहीं हो पाता यह सत्र आगे पीछे हो जाता है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है चिंता की बात नहीं है इनके पास खुद का संचालन करने के नियम बने हुए हैं ये आगे पीछे सारी चीजें कर सकते हैं। कोई डाउट ये हमने सीखा था। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि आपको ये जानना जरूरी है संसद काम क्या करती है। तो संसद के जितने काम हमने डिस्कस करे थे सिर्फ लॉ नहीं बनाती ये क्या करती है प्रतिनिधित्व करती है किसका राज्यों का और लोगों का है ना। संसद के अंदर दो सदन एक राज्यसभा एक लोकसभा। अच्छा आप लोग राज्यसभा के लिए वोट करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं नहीं करते लेकिन आप लोकसभा के लिए करते हैं। अभी 2024 में कौन सी लोकसभा के लिए आप वोट करेंगे? 18वीं। अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? जब भी कोई लोकसभा विघटित होती है यानी डिसॉल्व होती है और नई लोकसभा लाई जाती है तो याद रखना उससे पहले आपको न्यूज में राष्ट्रपति के द्वारा एक आर्टिकल देखने को मिलेगा एक नोटिस आएगा कि 17वीं लोकसभा विघटित करी जाती है एवं नई सभा चुनाव के बाद होगी। अच्छा चुनाव के बाद क्या होता है कि जितनी भी पार्टीज के लोग खड़े हुए हैं वो सब जीत के आते हैं उनमें से जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होती हैं वही सरकार बनाता है। कोई डाउट यहाँ तक सब क्लियर था? उसके बाद मोशन यानी कि मोशन का मतलब होता है प्रस्ताव संसद के दोनों सदन में पास होते हैं। क्या प्रस्ताव हम कहीं इस कॉलेज के अंदर बैठ के पास कर सकते हैं संसद का? नहीं कर सकते ये ध्यान रखना। लेकिन अगर प्रेसिडेंट जी कहीं और चाहे कि 545 सारे के सारे लोकसभा के लोग कहीं और जाके सभा करें जैसे पीलीभीत के अंदर ले लो कि गांधी स्टेडियम में सबको बुलाया जाए अरेंज करा जाए तो हाँ उसी समय को टेम्पररी रूप से संसद बोला जाएगा। कोई डाउट यानी राष्ट्रपति जी संसद को कहीं भी शिफ्ट मूव कर सकते हैं। कोई समस्या? ये कल के बताया हुआ पॉइंट है और ये देखिए इस तरीके से अखबार में निकलता है जब भी कोई सत्र पूरा होता है जैसे जब मॉनसून का सत्र पूरा हुआ तो ये निकला कि भैया 20 जुलाई से मतलब सत्र पुरानी बिल्डिंग में शुरू हुआ था लेकिन खत्म नई बिल्डिंग में हुआ इस समय संसद एट रेस्ट चल रही है यानी कि सत्रावसान चल रहा है अभी कोई सत्र नहीं हो रहा। अभी आप देखोगे जैसे ही अक्टूबर शुरू होगी तो आप स्टार्टिंग में देखोगे कि फिर से प्रेसिडेंट नोटिस देंगे कि भैया सत्र शुरू करा जाए होता है ना ये सब देखोगे आप टेक्निकली न्यूज पेपर में सत्र बंद करना या शुरू करना इसके लिए कभी कभी कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो आगे आते हैं लेकिन ये काम होता है राष्ट्रपति और स्पीकर का। अगर कोई स्पेशल सेशन देना है जैसे मान लो बजट मॉनसून और विंटर तो चल ही रहा है लेकिन बीच में कोई ऐसा बहुत महत्वपूर्ण काम है जिसको लेकर के उन्हें आज संबोधित करना है तो ऐसा स्पेशल प्रस्ताव भी लाया जा सकता है केंद्रीय मंत्री द्वारा या पार्लियामेंट कमेटी के अंदर। अभी आपको इसमें ज्यादा फोकस नहीं करना है इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि भारतीय संसद विशेष सत्र वाला छोड़ दिया। हाँ
सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने फिर एक सत्र ले लिया था जैसे बजट, मॉनसून, विंटर। तो अगर कोई भी सत्र शुरू होता है बजट, तो उसमें सबसे पहले दिन कौन सी समिति बनती है बताइए पूरा। बीएसी बिजनेस एडवाइजरी, हीरा कली जी कौन सी समिति बनती है? एडवाइजरी। इसे हिंदी में उल्टा बोलते हैं व्यवसाय सलाहकार समिति। अगर ये समिति संसद के दोनों सदन के लिए बनेगी, शिवानी समझती हो सामने आ जाए कोई दिक्कत नहीं, संसद के दो सदन एक उच्च एक नीचे वाला, जो नीचे वाला सदन लोकसभा उच्च वाला राज्यसभा, क्या दोनों सदन के लिए ये समिति बनती है? हाँ, यानी राज्यसभा की समिति अलग बनेगी, लोकसभा की समिति अलग बनेगी। लोकसभा में लोग ज्यादा हैं तो उसके लिए इस समिति में न्यूनतम कितनी संख्या होगी? 15। राज्यसभा में थोड़े लोग कम है तो उसके लिए जो संख्या होगी वो होगी 11। कोई डाउट, कोई समस्या? इस समिति को बनाने का आदेश कौन देते हैं? राष्ट्रपति। बनपाता कौन है? स्पीकर। इस समिति का हेड यानी प्रमुख कौन होता है? तो लोकसभा में लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा में चेयरपर्सन ही उसका हेड होगा। कोई डाउट है ना? समझ गए सर? ये जो बीएसी कोई भी चीज बनाती है क्या उसके अकॉर्डिंग ही चलना है? नहीं बेटा, ये कच्चा पक्का चिट्ठा बनाती है, यानी जब इनको लगा कि ऐसा काम नहीं कर पा रहे तो हम उसे चेंज भी कर सकते। ये जो बनाती है उसे बिजनेस कहते हैं। बिजनेस की परिभाषा अपने दिमाग से निकाल लो, जो आप समझते हो कि किराने की दुकान भी बिजनेस है या कोई बिजनेसमैन कर रहा, ऐसा नहीं। बिजनेस का मतलब होता है किसी चीज से संबंधित कार्रवाई को लगातार करना। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी संसद के अंदर एक बिजनेस तैयार करके दे देती है। कोई डाउट? बढ़े आगे सर। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है कैसे बनती है, क्या बनती है, इसके काम क्या होते हैं, ये सारे स्लाइड डाल दिए। इसके काम मैंने कल डिस्कस करे थे। ये क्या करती है? सभी सदन के नेताओं को एक पत्र भेजती है, उनके बीच में सहमति बनाती है कि देखो ऐसे काम करेंगे हम बजट सत्र में, ऐसे मॉनसून सत्र में काम करेंगे, ऐसे शीतकालीन सत्र में काम करेंगे। सबसे पहली बार ये याद रखना कि सलाहकारी जो समिति है उसका गठन 1952 में हुआ था। कब? तो कंफ्यूज मत होना, तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा कि बीएसी यानी व्यवसायिक आपकी जो है सलाहकारी समिति देश लागू संविधान लागू होने के साथ ही लागू हुई थी? नहीं, 1952 में सबसे पहली बार गठित हुई थी। कोई डाउट? कितना पुराने बच्चों कॉपी में अभी लिखा होगा जो कल बैठे थे। सर ये जो भी काम करती है उसका लेखा जोखा कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? तो ये वेबसाइट है संसद भारत की, इसे डिजिटल लाइब्रेरी की। ये देखो ये सारी इसमें रिपोर्ट है। ये जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो मेरे पास मार्च तक का डेटा था, अब इससे आगे इसमें डेटा बढ़ चुका है। इसमें सर लिखा क्या होता है? कुछ नहीं लिखा होता। आज कौन सी कार्रवाई हुई सत्रहवीं लोकसभा की, कौन सी भाषा थी, क्या था, कौन सी रिपोर्ट है, क्या क्या चीजों पर डिस्कशन हुआ, यानी इट इज अ काइंड ऑफ डायरी। और ये लिखो न्यूज़पेपर में भी निकलता है, जब भी ऐसी कोई कमेटी बनती है तो उसके लिए न्यूज़पेपर में भी बताते रहते हैं कि ऐसी एक समिति बन रही है। अभी 20 जुलाई को ये खबर आई थी कि जो ऑपोजिशन लीडर है वो मॉनसून सत्र के लिए, ये हर सत्र में नहीं बनती है, यानी बजट सत्र हो रहा है तो सलाहकारी समिति बन गई, जैसे ही बजट सत्र खत्म हुआ उस सलाहकारी समिति का काम खत्म। अब जैसे ही मॉनसून सत्र शुरू होगा तो नई समिति बनेगी कि नहीं? अब समस्या ये हो गई कि जब मॉनसून सत्र शुरू होने वाला था तो उस समय मणिपुर हिंसा का विवाद चल रहा था, तो जितने भी ऑपोजिशन के लोग थे उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया कि हम कोई भी समिति के अंदर भागीदारी नहीं देंगे, हम वॉक कर जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाने के लिए विपक्ष भी चाहिए होता है। अगर विपक्ष राजी नहीं है तो भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनेगी, जो लोग राजी हैं उनके हाथ खड़े कर लिए जाते हैं, वरना अपनी सरकार से लोग उठाओ, सहमति बनाओ, शुरू करो, सीधा हिसाब है, क्योंकि व्यवसायिक सहकारी सलाहकारी समिति तो बननी ही बननी। बैठाओ, कोई समस्या? आगे बढ़े। अब ये देखो जब ये एजेंडा बना लेते हैं तो मैंने आपको एक चीज बताई, एजेंडा माने बिजनेस, यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने ये बता दिया कि अब हम काम क्या करेंगे। अब जैसे ही बजट सत्र खत्म होने वाला था एक दिन स्पीकर साहब को ले, बस आज हमने सारा काम कर लिया। तो जैसे ही स्पीकर साहब को किसी सत्र को रेसिस पे लाना है, सत्रावसान करना है, विराम लगाना है कार्य पे, तो स्पीकर साहब सभी सदस्यों के बीच मूव करेंगे प्रस्ताव जिसका नाम होता है एडजॉर्नमेंट सिने डाई, इसका नाम होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि इस क्लास को हम बंद करते हैं अनिश्चित काल के लिए, अब तुम कंफ्यूज मत होना कि इसका मतलब हमेशा के लिए, नहीं, अनिश्चित काल का मतलब ये होता है हमें पता ही नहीं है कि कल मिल रहे हैं, परसों मिल रहे हैं, 20 दिन बाद मिल रहे हैं,
और यहाँ स्पीकर को भी नहीं पता होता, इसलिए क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में कि एडजॉर्नमेंट सिनेडाई के अंदर डेट को खाली क्यों छोड़ दिया जाता है। तो इसके अंदर कभी डेट नहीं पड़ती क्योंकि स्पीकर को पता ही नहीं होता है कि किस दिन दोबारा से सत्र शुरू होगा। सो भी कोई डाउट, यदि कोई डाउट, एडजॉर्नमेंट सिनेडाई को स्पीकर महोदय जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। सर राष्ट्रपति के पास क्यों भेजेंगे? क्योंकि बेटा सत्र राष्ट्रपति ही शुरू करता है और सत्र राष्ट्रपति ही खत्म। कोई डाउट, कोई समस्या? सत्र राष्ट्रपति ही शुरू करता है, राष्ट्रपति खत्म करता है। स्पीकर ने ये प्रस्ताव लोगों के बीच दिया, इस प्रस्ताव को पारित कराया, उसके बाद राष्ट्रपति को भेजा, राष्ट्रपति इन्हें रिप्लाई के रूप में वापस भेजेंगे स्पीकर को और स्पीकर महोदय उसे वहां पढ़ देंगे कि चलो हम सब जाते हैं नानी घर। कोई डाउट? यानी एडजॉर्नमेंट सिनेडाई शुरू हो गया। ये भी हमने कवर करा था, ये देखो ये अखबारों में निकल होता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे लिए लेटेस्ट ना हो, 6 अगस्त 2023 की न्यूज है। यहाँ लिखा है कि लोकसभा एडजॉर्न सिनेडाई ऑन लास्ट डे ऑफ बजट सेशन। मेरी बात को समझना, विपक्ष के हंगामे के बीच ये लाइन काट दो, उसका कोई रोल नहीं, उसके बाद पढ़ो। बजट सत्र के आखिरी दिन लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। क्यों? क्योंकि बजट सत्र पूरा हो गया। जिस दिन बेटा स्टार्टिंग हुई थी उस दिन हमने कौन सी समिति बनाई थी? BAC यानी व्यवसाय सलाहकारी समिति। लेकिन जिस दिन बजट का सत्र खत्म हुआ उस दिन हमने कौन सा मोशन पास किया? उस दिन हमने पास किया एडजॉर्नमेंट सिनेडाई। कोई इशू, कोई समस्या? बजा टेक्निकल चीजें समझ आ रही? चलो बोलो। हाँ ये मोशन होता है, प्रस्ताव। कोई बात इसमें कोई डाउट? चलो आगे बढ़े। इसके बारे में यहाँ लिखा है, अब देखो इसमें डेट क्यों नहीं डालते हैं मैं बता चुका हूँ, क्योंकि भैया 6 महीने के अंदर मिल रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि 3 महीने मिल रहे हैं, 4 महीने मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं। अब जो लोग कल अपसेट थे उनके लिए एक बार और रिविजन में करवा रहा हूँ कि संसद में पर डे घंटों के हिसाब से काम होता है, संसद में पर डे घंटों के हिसाब से काम होता है, और ये रहा संसद का चार्ट जिसके अकॉर्डिंग काम होता है। हाँ अरे ले नए आ रहे हैं, लेकिन कहाँ से आ रहे हैं? ले कोई बात नहीं, ले आइए। तो ये जो पार्लियामेंट के अंदर आप देख रहे हैं ना सामने चार्ट बना हुआ, ध्यान देना आगे वाले भी अग्रणी और आप भी, ये जो चार्ट है ये संसद के अंदर पर डे की कार्यवाही नहीं कराई थी। हाँ तभी मैं कहूँ, देखो 11 बजे से लेके 6 बजे तक लोकसभा काम करती है, 11 बजे से लेके 5 बजे तक राज्यसभा काम करती है। बात आई समझ? सर अगर 11 बजे से लेके 5 बजे तक काम पूरा ना हो पाए तो बेटा ओवर टाइम करो, राज्यसभा अपना टाइम आगे ले जा सकती है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लोकसभा अपना टाइम आगे ले जा सकती है, हाँ जी। अब जो समय शुरू होता है उसमें सबसे पहले जब लोग नहा धो के नाश्ता करके 11 बजे वहां पहुंच जाते हैं तो 11 से 12 के बीच को कहते हैं प्रश्नकाल। क्या कहते हैं? इस प्रश्नकाल के समय पर वहां विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न होते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस पन्ने पर प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई डाउट? जैसे ही 12 बजते हैं उसके बाद सब लोग चैन की सांस लेते हैं कि चलो भैया प्रश्नकाल खत्म हो गया, यानी हमसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो एक ग्राम पे रुक गए। उसके बाद शुरू होता है शून्य आवर, जिसे हम कहते हैं शून्य काल, जीरो आवर। ये जो जीरो शब्द है ये ब्रिटेन के मिलिट्री कन्वेंशन से लिया गया है, ये बात ध्यान रखना, ब्रिटेन के मिलिट्री कन्वेंशन से लिया गया है। इस जीरो आवर के अंदर वो सारे मुद्दे डिस्कस होते हैं जो हमें 2 बजे से लेके 5 बजे या 2 बजे से लेके 6 बजे डिस्कस करने हैं। कोई डाउट? उसके बाद सर 1 से 2 बजे के बीच क्या होता है? 1 से 2 बजे के बीच में वो लोग खाना खाते हैं, क्योंकि भैया सुबह भूखे पेट चले जाते हैं, और वो खाना भी ऐसा नहीं खाते हैं जो खाना उन्हें मिलता है 15 रुपए में, वो खाना मिलता है जो 1500 में नहीं खा सकते। ठीक है, एक बार राज बब्बर जी ने बोला था कि जो आदमी पर डे 15 रुपए कमा रहा है वो कहाँ गरीब है, क्योंकि 15 रुपए में एक कैंटीन के अंदर खाना मिल रहा था, लेकिन उनसे बाहर जाके जरा पूछो तो टिक्की 25 की हो गई, घी वाली 40 की हो गई, समझ गए? उनके टाइम में भी कोई चीज सस्ती नहीं थी। तो जिसने गरीबी देखी नहीं उसे गरीबी पता नहीं, जिसने सिलेबस देखा नहीं उसे यूपीएससी पता नहीं। चलो बड़े आगे, अब देखो ध्यान से, 1 से 2 बजे के बीच में लंच होता है, इस लंच के बाद 2 से लेके 6 के बीच में क्या होता है कि हमने जो शून्य काल में एजेंडा सेट किया था, बिजनेस बनाया था, जिसके लिए हमने व्यवसायिक सलाहकारी समिति ने पूरा हमें प्रोटोकॉल दिया था, हम सारे काम करते हैं। कौन से काम करते हैं? वो सारे काम जिससे बजट पास करना, विधि बनाना,
डिबेट डिस्कस करना, संसद में मुद्दे उठाना, वर्तमान में देश में मणिपुर हिंसा चल रही है उसको डिस्कस करना, लेकिन इस पे बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। संसद के अंदर काम होता है कि जो वर्तमान मुद्दे चल रहे हैं वो डिस्कस होने चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार ने मणिपुर पे कोई डिस्कशन ही नहीं करा। फिर विपक्ष ने घेरना शुरू करा, क्योंकि गलत है ना, और मणिपुर कोई छोटी हिंसा नहीं थी, मणिपुर हिंसा के अंदर इतनी चीजें गलत घटित हुई, खासकर वो महिला वाला जो आपको पता होगा ब्रूटल रेप इंसिडेंट था, उसने तो सबको शर्मसार कर दिया। आ जाओ चल अभी लेने क्या क्या नाम है, क्या क्या नाम है दोनों के, मोना मोना, अच्छा मोना दीक्षित और प्रति, चलो बैठो। रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ ना, आज ही आज अनुमति है बैठने की, कल एप्लीकेशन लिख के लाएंगी, उस पर विचार वो लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग नए हो इस साल स्टूडेंट, पुराने बच्चों को तो हम वो ही नहीं कर रहे, रिन्यू नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन उस समय नहीं दी, तो बैठ जाइए जहाँ सीट मिले, ठीक है, जहाँ आपको ठीक लगे और जहाँ सीट लगे आप बैठ जाइए, अगर किसी को इतना जगह तो इधर पूजा के पास बैठ जाए, पूजा छोटी सी जगह बैठ जाए, अपनी बात देखो। हाँ तुम लोगों की 2 अक्टूबर वाली स्पीच पड़ गई है, ठीक है, यूट्यूब पे, अरे वो देख लेना, अभी उसमें 41 व्यूज आए थे जब तक मैं लास्ट टाइम देख के आया था, 6-7 बार तो नहीं देख चुका। सांसद बन के आप डीएम बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो, अगर आपकी उम्र है आपको सांसद पद से रिजाइन देना हो, नहीं अगर आप जिस डीएम में एनरोल करोगे आपकी संसद की बतौर सारी सुविधाएं मिल सकती है। हाँ वो कर सकते, लेकिन आपको टेंशन नहीं मिली हो जाएगी, नियम ऐसे हो जाएगा, टेंशन भी लो, टेंशन भी ना लो, ऐसा चलो देखो ध्यान से आप समझ लो, ठीक है, एक इस समय बहुत अच्छा एजेंडा चल रहा है, इंटरेस्टिंग चीज चल रही है समाज में, तो मैं नहीं लगता ब्यूरोक्रेसी यानी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव बनते जा रहे हैं, नहीं समझे, आजकल पॉलिटिक्स में वो लोग ज्यादा जा रहे हैं जो आईएएस आईपीएस होते हैं, वो एक समय के बाद रिजाइन मार के चले जा रहे हैं, और लेजिस्लेटिव बनने का प्रयास जारी है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें नहीं लगता कि जो विधायिका है इसका एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होने का है, इस पर डिस्कस करेंगे, मुझे मेंस में इस बारे में इंपॉर्टेंट है, कर लो गवर्नेंस में फायदा है, इस बात से मैं सहमत हूँ, इस पर डिस्कस करेंगे। चलो भाई बच्चों आगे देखो, जब सब लोग 2 बजे से लेकर 5 बजे, 2 बजे से लेकर 6 बजे लोकसभा, 2 बजे से 5 बजे तक राज्यसभा, इस बीच में सारे बिल सब कुछ डिस्कस हो गया। अब इसी बीच में क्या हुआ कि जब सारी चीजें डिस्कस हो रही थी तब प्रश्न काल में आपको ये जानना जरूरी है कि जो मैंने सबसे पहले बताया 11 से 11 बजे का, उसमें किस तरीके के प्रश्न डिस्कस होते हैं, तो अब मैं बहुत देर तक नहीं जाऊंगा, कल मैंने बच्चों को क्वेश्चन आंसर भी कराए थे, ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि तारांकित प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न होते हैं, एवं चरण क्या हुआ दो बार, अच्छा रिवीजन के टाइम सो रहे हो अभी, हमको तुम्हें पूछना चश्मा तुम्हारा बढ़िया लग रहा है, देखो अल्प सूचना प्रश्न देखे रहो गायब ना हो, उसके बाद बच्चे बहुत हाथ साफ करने में लगे थे मेरा चश्मा, लेकिन खैर ईमानदार बहुत है, बट चरण की चश्मे की दुकान नहीं है, उसे शौक है, अच्छा कहीं तो तुम्हें मेले मिल जाए ऐसे लगाए डंडे के ऊपर, और बगल में हम भी बेच रहे हो आए ना के लोग, तुम्हें क्या लगता है बेइज्जती अकेले दबानी होगी, बेइज्जती खुद की करने मजा आता है, देखो सामने तारांकित अतारांकित अल्प सूचना प्रश्न जो होता है 3 तरीके के होते हैं, अब कल मैंने तुम्हें पूरा कंसेप्ट बताया था, जो बच्चे कल वाले थे जरा वो सीधे क्वेश्चन सॉल्व करो, तो भैया चरण करो कुछ नया लेके आओ, ये सब कहीं और मत बोल देना, व्हाट्सएप पे दिल्ली में पुलिस मारेगी पुलिस, चलो मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, करा दे, देखो ध्यान से समझ लो, अग्रणी आप भी समझ लो ध्यान से, ठीक है, वरना अग्रणी मैसेज डाल दी मुझे, अरे सर एक बार फोन पे समझा दो, देखो अग्रणी हां कल पढ़ाया था एक बार, कोई कंडीशन से येलो वाले पे, देखो सबसे पहली बात 3 तरीके के प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न बोलते हैं जिनको अंग्रेजी में स्टार क्वेश्चन कहते हैं, सर स्टार क्यों कहते हैं, ये हरे पन्ने पे लिख के दिए जाते हैं, एग्जांपल समझ लो, राहुल गांधी जी को पूछना था कि रैफेल खरीदने की क्या आवश्यकता पड़ गई, बेटा रैफेल विमान पता है ना सबको, खरीदे कहां से, फ्रांस से,
दी एलियोस जो भी है करके एविएशन कंपनी से। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है कि राहुल गांधी को लगा इसमें सस्पिशन है, ये जो रफेल मंगाए जा रहे हैं ना ये देश के लिए फालतू पैसा खराब करने की चीज है। तो इस समय जो हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर होगा उसी से तो सवाल पूछोगे, और क्यों पूछोगे, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर है कार्यपालिका और जो सवाल पूछ रहे राहुल गांधी वो है विधायिका, और नियम क्या कहता है कि एग्जीक्यूटिव इज लायबल टू लेजिस्लेटिव। तो जैसे ही राहुल गांधी जी खड़े हुए और उन्होंने स्पीकर महोदय को हरे रंग का पन्ना दिया, उस हरे रंग के पन्ने पे स्टार बना हुआ था और उसमें क्वेश्चन लिखे हुए थे 20, ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन कितने लिखे थे, उससे ज्यादा तारांकित प्रश्न एक दिन में पूछने की अनुमति नहीं है, लेकिन उसी समय पे उत्तर नहीं दिया जाता, स्पीकर रखेंगे उसको और रखने के बाद स्पीकर कमेटी को भेज देंगे, कौन सी, संसदीय समिति, संसदीय समिति डिपार्टमेंट ऑफ इसे डिफेंस को भेजेगी और मंत्री जी को मिलेंगे न्यूनतम 15 अधिकतम 21 दिन, कितने दिन, न्यूनतम 15 अधिकतम 21 दिन, 15 से 21 दिन में मंत्री जी सवाल का जवाब तैयार कर लेंगे और स्पीकर जी से कहेंगे मैं सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, फिर स्पीकर तुरंत ही राहुल गांधी जी को बता देंगे कि आज आप आ जाइएगा, मंत्री जी मौखिक तौर पे उत्तर देंगे, मौखिक मतलब बोल के, चरण जो हमने ये वाला तारांकित है ये लिखित में दिया तो मंत्री जी बोल के क्यों आंसर दे रहे हैं, क्योंकि ये तारांकित वाले हैं, तारांकित में क्वेश्चन लिख के दिया जाता है लेकिन जवाब उसका बोल के दिया जाता है, बिल्कुल सही। अब इसके बाद अगली वाली जो सिचुएशन है जिसे अतारांकित कहते हैं, ये जो डायग्राम तुम्हें मैं दिखा दे रहा हूं सीधा ये वाला, ये इसमें देखो दूसरा अतारांकित है, बेटा अतारांकित में कोई निशान नहीं होता, ये कट मत बनाना, ये कट का मतलब है कि कोई निशान नहीं, स्टार क्वेश्चन में स्टार बना था, अनस्टार क्वेश्चन में कोई निशान नहीं बनता, ये लिखित ही दिए जाते हैं, इनका जवाब भी लिखित ही लिया जाता है, 15 दिन का समय मिलता है। इसके साथ एक चीज और है, पूरक प्रश्न, पूरक प्रश्न का मतलब ये होता है, आ जाओ पढ़ो, पूरक प्रश्न का मतलब ये होता है कि जब राहुल गांधी जी पूछ रहे थे कि रफेल विमान पे पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है और राजनाथ सिंह जी खड़े होकर मुंह से ओरली बोल रहे थे, तभी अचानक से एक और मंत्री विपक्ष के खड़े हो गए या एक और व्यक्ति खड़ा हो गया विपक्ष का और उसने चीख के कहा कि मेरे दो सवालों के जवाब और दे दो, इन्हीं दो सवालों को पूरक प्रश्न कहते हैं, ये जो दो सवाल है वो अलाउड होते हैं पूछना, ठीक है, याद रखना। उसके बाद अनस्टार्ट क्वेश्चन आते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन लिखित ही दिए जाते हैं, उत्तर भी लिखित ही वापस किया जाता है, ऐसे प्रश्न जिस पर्चे पे लिखे जाते हैं वो सफेद रंग का होता है और इसके लिए भी 15 दिन मिलते हैं। उसके बाद आते हैं गुलाबी रंग पे लिख करके भेजे जाने वाले प्रश्न जिसे कहते हैं अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये दिए जाते हैं कोई निशान बना के, नहीं, ये किस तरीके से दिए जाते हैं, मौखिक, इनका उत्तर कैसा मिलता है भैया, इनका उत्तर भी मौखिक ही मिल जाता है, इनके अंदर मंत्री जी को जो अवधि है वो 10 दिन के लिए आ, यूपीएससी ऊपर वाले दोनों के दिन नहीं पूछेगा, वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए तीसरे वाले के दिन पूछेगा और लिख देगा कि शॉर्ट नोट क्वेश्चन में कौन सा स्टार बनाया जाता है, कोई स्टार नहीं बनाया जाता, कौन से पन्ने पे बनाया जाता है, गुलाबी कलर के, इसका क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व नहीं करा था, इसका क्वेश्चन करो, ये करो, उत्तर ही लिखा है इसका, तो वाह वाह आई टी इसका सी सही होगा ना, क्यों किसी को लग रहा है डी तो नहीं लग रहा, ए तो नहीं लग रहा है, अरे मोतियाबिंद वाला हां उत्तर लिखा बी होगा नीचे का, बोले सर आपने सी कंफ्यूज करने के लिए तो नहीं बनाया, नहीं बेटा इसका आंसर सी है, हमारे जो छोटे भाई है वो मिटाना भूल गए, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा आज मजा आएगा, सर क्वेश्चन पूछे के आंसर पहले लिखा हुआ, सर को लगेगा सब बच्चे सी के कंसेप्ट को देख के आंसर दे रहे हैं, देख रहे हो तो भाई बहन का मक्का भूमि तुमसे नहीं कह रहा, उधर देखो भूमि जो है छोटी सिस्टर की तरह ही तरह ही मतलब नहीं देखो सर अलग सुनना एपीड स्टूडेंट का एपीड स्टूडेंट अब सपना ये रहा आज मीम बनाएंगे क्या कर रहे थे पुराने छात्र छात्राओं को ही उपाधि दी जाती है, अभी तुम एक एक दो दो साल और पढ़ो उसके बाद तुम कहीं नहीं गए भटकते तो तुम्हें उपाधि दे देंगे। देखो अल्प सूचना प्रश्न के संबंधित में अल्प सूचना प्रश्न के संबंध में बस बस बहुत देखो जूम कर दे जूम चश्मे वाले बच्चे जब जूम कराते हैं तो मुझे लगता है मेरा चश्मे की कौन सी प्रॉब्लम ये देखो देखो भैया इसके लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है क्या देखो
नहीं होती, अल्प सूचना वाले के लिए नहीं चाहिए, ओरली दे दिया जाएगा, ये भी ओरली दे दिया, ओरली ले लिया, बस इसकी बात खत्म इसका। सब बस। अब दूसरी चीज, ये 10 दिन से कम का नोटिस देके माना जा सकता है, तो हाँ अब तुम इस चीज में स्लाइड से रिवीजन कर लेना। पहला वाला क्वेश्चन, हाँ ये पहला वाला, इसमें इसमें कोई प्रश्न नहीं है। पहले वाले गलत बेटा, गुलाबी नहीं तो इसका आंसर होगा ये जो, अच्छा तारा के प्रश्नों के अंदर रुजा 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 रुजा, ये आंसर पूरा करो, ये कागज पर मुद्रित होते हैं, नहीं होते, एकदम सही, पूरा पढ़ो, अंतर अंतर करने की जरूरत। अब ये नॉन स्टारी तो होते हैं, कोई स्टार थोड़ी होता है, ये भगवान तुम लोग सबकी बात ढंग से, मोतिया बिंद वाला बोले जाओ इधर आओ, ऐसे दो बार डाला फिर सवाल लगाया फिर डाला, समझ गए, उसके बाद कुछ नहीं, चक्कू ले गए, दिखाई नहीं कुछ तो आप ही निकाली बात है, ब्रूटल एक्सरसाइज ना करें, इसे जान मार का खतरा है, क्या कह रही सर, तुम तो रहने दो, तुम तो पता नहीं चाहू किसके डाल रहा हूँ, देखो यार आप तुम्हारे लिए कंसेप्ट है, कंसेप्ट बोल्ड, अब ध्यान से ये चीज तुम्हें नहीं मिलेगी, ये सारे मेंस के प्रश्न आया हुआ निकाल के, अब ध्यान से सुनना, जिसका कंसेप्ट जो कल आया था वो आसानी से जवाब दे देगा, और जो पढ़ लिख रहा है वो भी जवाब दे देगा, ध्यान से समझना, गोल्ड टाइम ये है, मैंने तुम्हें पढ़ाया कि प्रस्ताव क्या होता है, जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि कल क्लास 7 बजे कर लेते हैं, तुमसे बोले नहीं, याद है वो वाले जो, सब याद है, ठीक, फिर मैंने तुम्हें ये बताया कि संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सामने देखो, फिर मैंने तुम्हें ये बताया कि प्रस्ताव पारित क्यों किए जाते हैं, संसद ये सब करती क्यों है, अब जरा निम्न सवालों का जवाब दे दो, इसमें सिर्फ और सिर्फ सारे फॉर्मूले ही लिखे हुए हैं, देखो पढ़ो, प्रश्न काल क्यों होता है, व्हाई डस क्वेश्चन आवर शो, तो ये लो ये पॉलिटी के और खासकर PSIR वाले बच्चे जिनका पॉलिटी ऑप्शनल भी हो उनके लिए सारे रूल कंटेस्ट होने चाहिए, ये रूल बहुत आसान है, अभी तक हमने सब पढ़े, बेटा क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि कार्यपालिका उत्तरदायी है, सारे फॉर्मूले फिट होंगे, दूसरा फॉर्मूला पढ़ो, जवाबदेही हेतु, अगर डिफेंस मिनिस्टर को रक्षा का इंचार्ज मिला है तो जवाबदेही रक्षा के मामले में किसकी होगी, डिफेंस मिनिस्टर की, अगर तुम्हारे शिक्षा मंत्री ने कोई नई एजुकेशन नीति लागू करी है 2020 तो जवाबदेही किसकी होगी, शिक्षा मंत्री की, दोनों रूल सिद्ध हो गए, बता तीसरा देखना, एक दूसरे को क्रॉस चेक करते हैं, विधायिका कार्यपालिका से प्रश्न इसलिए पूछती है कि कहीं ये घबराएं, कहीं ये अटके, कहीं कोई करप्शन इनका पकड़ ले, और करप्शन को चेक करना और दोनों चीजों की आपस में बहस होना, इसे कहते हैं जांच एवं नियंत्रण का सिद्धांत। सर ये प्रक्रिया क्या हमारे संविधान से हट सकती है, नहीं, क्योंकि तुम्हारा प्रीएम्बल भी इस बात को वेरीफाई करता है कि तुम हो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य, जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहां जवाबदेही, ये नियम, अकाउंटेबिलिटी, इस तरीके जांच एवं नियंत्रण का सिद्धांत, ये सभी चीजें लोकतंत्र का हिस्सा है, बजाज परसों इसी की बात कर रहा था कि वो क्यों नहीं आंसर देते, लेकिन हर चीज का एक समय है, ठीक है, अब मान के चलो ये आपके ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आप डिग्री मांगो तो कॉलेज वाले आपको बाहर का दरवाजा दिखाएंगे, ये चीज कभी कभी क्लास के बच्चे कर देते हैं, अरे सर वो इमरजेंसी पढ़ा देते, इमरजेंसी आई थर्ड सेमेस्टर, मतलब आगे कोई दिक्कत, समझ गए कि संसद के अंदर जो प्रश्नकाल है, जो सारे काम हो रहे हैं, समझो सुरभि, वो सब इन नियमों में बेस्ड है, अगर तुमने इंटरव्यू में ये बड़ी बड़ी चीजें फेंक दी तो तुम्हारा काम हो जाएगा, वो इंटरव्यू में तुमसे चर्चा नहीं करते, नोबडी विल आस्क यू कि राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में आता है, रट्टाफिकेशन तुम्हारा इंटरव्यू में फेल हो जाएगा, अभी तुम प्रीलिम्स में रटो कोई भी किताब, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेंस में रटो तुम कोई भी नोट्स, कोई भी किताब, खुद के बनाओ, कोई पेपर दो, कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन इंटरव्यू में पहुंचेंगे सूरज या कोई भी, उस दिन सूरज से पूछा जाएगा, सूरज नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, तो सूरज को बोलना है एग्जीक्यूटिव लायबल टू लेजिस्लेटिव, यानी कार्यपालिका की जवाबदेही है विपक्ष की जो विधायिका है, कोई डाउट, ये आया रूल, समझे सूरज, इंटरव्यू में वो तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, तुम आ जा क्या कह रहे हो, एस पर फला 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 बिहार की किताब प्रकाशन की किताब के तहत आर्टिकल 52 में ये दिया था, रूल 58 में दिया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो आयोग वाले हल्के से पानी पीएंगे कि बेटा अगली बार तो इंटरव्यू और लगने दे, समझे, तो मेरी बात समझो, इफ यू वांट टू क्वालिफाई एग्जाम
मैं इंटरव्यू नहीं निकाल पाया, मुझसे भी ये सब रूल समझने में या कुछ कहीं तो त्रुटि हुई, अपनी त्रुटियों को मानना चाहिए, तो मैं अपने आप को बेटर करूंगा। तो ये चीज आप लोग अभी से समझ लो, मैं चीजें आपको वही यहाँ पर लिखता हूँ जो मेरे काम आई है जीवन में, समझे, ताकि कल को आपको ना लगे 2000 रुपए भी ले गए और देखो भी बना लो, कल को कहीं जाओ दिल्ली या प्रयागराज या लखनऊ तो बैठो तो वहाँ आपको ये चीजें मिले तो लगे कि चलो एक मास्टर तो यूपीएससी पढ़ाई जाता है कम से कम, घर की थोड़ी बहुत चीज है, ताकि आपके मन में ऐसा ना आए। और टीचर भी पढ़ाते हैं, अपने लिए हमेशा बोल जाता क्योंकि मैं भी क्लास में चरण तुम मेरी तरफ मत देखो, तुम कोई विषय नहीं पढ़ाते, और पढ़ाते होते तो वो पता नहीं कहाँ चला जाता, वो 8वीं क्लास का होगा, लेकिन चरण की स्पीच की बड़ा तारीफ होगी। चलो मजाक बना रहे, मजाक ही बना रहे, कोई बात नहीं, चरण भी 15 अक्टूबर आ गए, चरण सब समझ लेता, चरण और मैंने एक ही जगह से पीएचडी का फॉर्म भरा। देखो मोशन प्रस्ताव क्या होते हैं, अब ठीक है, एक दिन मैंने सबसे आगे अश्विन से कहा और बाकी बच्चे भी क्लास में बैठे थे, तो मैंने कहा एक काम करो कल जो है वो अभी जो गूगल वाले थे लड्डू बाकी बच्चों को रह गए थे बट नहीं पाए, चलो लड्डू बांट देते हैं, तो कितने लोग सहमत हैं 2 अक्टूबर को लड्डू नहीं बंट पाए थे तो क्लास में लड्डू बंटवाने के लिए कितने बच्चे सहमत हैं, कौन लड्डू खाना चाहता है, नए लड्डू, नए 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 लड्डू बात वाले के नए कली खरीदे हुए समय ताजा बने हुए प्रस्ताव पारित करा कि भैया मुझे संसाधन उपलब्ध है DHW सर से, कहो तो मैं 2 किलो मिठाई बंटवा दूं, तुमने सर ने कहा क्या सर पैसा वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा एक एक A4 पन्ना बांट के मेंस का या क्वेश्चन सॉल्व करा लो क्लास ओवर होने के बाद, तो मैंने कहा अच्छा, उसके बाद बाकी बच्चों ने हाथ खड़ा करके कहा कि नहीं सर ऐसा कुछ भी मत करो, हमारा टाइम बहुत प्रीशियस है, हम लड्डू खाएंगे तो हमारे पर्नामेंट बेकार होंगे, हम घर जाके खुद लड्डू खा लेंगे। कुछ लोग सहमत हो गए, बोले हमने कभी जीवन में लड्डू नहीं खाया, यहाँ एक लड्डू मिल ही जाएगा, तो अलग अलग तभी कुछ बच्चों के और आता है बोले हमें सर परीक्षा में ऐसा लड्डू मिलता हुआ आया है, हम लड्डू देना तो बेटा इसी को प्रस्ताव कहते हैं, प्रस्ताव का मतलब समझो, इसे कहते हैं मोशन, संसद में यही बचपना होता है, सही से बचपना कहते हैं नहीं, इसे कहते हैं सबसे संसद की गंभीर और जटिल चीज, यानी जब मैं एक बिल लेके आया कि 3 किसान बिल कि हमें इसे भारत में लागू करना है, तो जितना भी पक्ष था उसने हाथ खड़े करे, विपक्ष था उसने हाथ खड़े करे, और उसपे शुरू हुई डिबेट, और ये सिर्फ ऐसी डिबेट नहीं है जो अभी लड्डू पे खत्म हो गई, एक एक बात पे 10-10, 20-20 दिन गहन चर्चा होती है कि अगर किसानों के लिए तो मंडी के लिए प्राइस खोल रहे हो, उनके लिए वैश्विक मंडी उपलब्ध करवा रहे हो, तो भैया वहां जाने पे उन्हें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होंगे, अलग अलग तरीके के डिबेट होते हैं, यानी कि मोशन का काम बहुत बड़ा है। सो भी समझ आया, जैसे आपके घर में पापा ने पूछा इस छुट्टी में कहाँ चलें, अब आपके घर में सब लोग इकट्ठे हुए तो 10 लोग मान लो रिलेटिव जोड़, अब सबने वोट डाला कि नैनीताल चलें, उनसे से एक बोला अरे हर बार नैनीताल ही जाते हैं, सुरभि ने कहा वहाँ चलते हैं क्या कहते हैं बरसाने, ठीक है ना, तो सुरभि की बात पे सब सहमत हो गए एकदम से, राधे राधे करने लगे सब, तुम नहीं हो उसके घर में, तुम क्यों वहाँ खड़ा कर रहे हो, नीचे कर दे तुरंत, हम भी सुरभि अभी ले चलो, वो तुम्हें जानती नहीं है अभी क्यों ले जाएगी, तो देखो ध्यान से। उसके बाद सुरभि के घर पे वोट पड़ गया, सुरभि के घर पे डिबेट डिस्कशन हो गया, सुरभि के घर वालों ने कहा गाड़ी बुक कर लो, तभी सुरभि ने कहा नहीं हम तो ट्रेन से चलेंगे, अब ये एक समस्या का विषय बन गया कि ट्रेन से जाओगे या अपनी कार से जाओगे, तो कभी कभी प्रस्ताव में ऐसी समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं को पुनः विचार किया जाता है। अगर कभी कोई चीज का प्रस्ताव, जैसे आप अपनी कॉपी दीजिए, इन्होंने प्रस्ताव निकाला कि सर सुबह का समय कर दो 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ाओ 2 घंटे, कोई टेंशन नहीं, मैंने एक प्रस्ताव लिया पारित कर दिया, लेकिन सभी ने नो कर दिया कि भैया नो 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 ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आना चाहिए। क्या मैं सेम चीज का प्रस्ताव संसद में दोबारा ला सकता हूं कि नहीं, सवाल ये बताओ, आप सोचो देखते क्वालिटी में कौन वीक हो सकता है, हाँ बताओ मुझे, आप फिर आंसर दो, रिसर्च करेंगे, जो सही गलत की चिंता मत करो क्योंकि मैं तो याद ही बजा कर दूंगा। हाँ असमें तुम्हें क्या लगता है सर ला सकते हैं, ला सकते हैं दोबारा, संशोधन करके थोड़ा बदला सकते हैं, क्या लगता है पूजा? अच्छा मैं दोबारा बोलूं, मैंने एक बिल पारित करा कि पूजा हमेशा आगे वाली सीट पे ही बैठेगी, लोगों ने मना कर दिया नहीं हम भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे साथ देखेगा बोर्ड, तो क्या मैं 10 दिन बाद 15 दिन बाद या 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद यही प्रस्ताव दोबारा संसद में ला सकता हूँ बिल बना करके, फिर से पूजा को आगे बैठाने की डिमांड करी जाए, उसी दिन भी ला सकते हैं,
तभी तो मैंने पूछा ये क्वेश्चन ही कि तुरंत 10 दिन 15 दिन 14 दिन 1 महीने या ला नहीं सकते या ला सकते हैं लेकिन तुरंत नहीं ला सकते जो आपको लगता हो पूरा उत्तर वो दीजिए कुछ टाइम बाद ला सकते बेटा कभी भी प्रस्ताव दोबारा लाया जा सकता है नई एजुकेशन पॉलिसी किसान बिल सीआरपीसी संशोधन तमाम तरीके के जितनी चीजें हैं वो सरकार लाती रहती आधार बिल एक बार फेल हो गया तो भैया वो चैन से बैठे दोबारा ले आए आधार बिल और कभी कभी पार्टियां उल्टा भी करती हैं आज हमारी पार्टी बहुमत में है तो हमें आधार खराब लग रहा है लेकिन जब हमारी पार्टी विपक्ष में थी तो हम आधार मांग रहे थे जैसे दूसरी पार्टियां कह रही थी सब्सिडी देना गलत है सिलेंडर कम रेट में बेचो जब तुम्हारी पार्टी बहुमत में आ गई तो तुमने उसी सब्सिडी को अच्छा साबित कर दिया अब आई रहे तुम्हारे में 18 रुपए हो गए चलो अच्छा हुआ मैंने सब्सिडी छोड़ी थी क्योंकि सब्सिडी छोड़ना ना छोड़ना एक ही बात है हमारे सिलेंडर वाले भैया ले जाते हैं भैया 20 रुपए हमें भी दे दो हमने गरीब आदमी की सब्सिडी ले जा रहा है चलो तो खैर मैंने उन्हें ये बताया अब विजय चलता है बच्चे का एडमिशन कराओ सबसे सब्सिडी ले फायदा है चलो भाई समझो प्रस्ताव का काम क्या होता है सब इसमें दिया हुआ है प्रस्ताव का वही मतलब होता है राज्यसभा में जो लोकसभा में होता है यानी दोनों सदन में प्रस्ताव पारित करने की लेके जाने की लागू करने की सब एक ही तरीका होता है कोई डाउट आज हम विभिन्न तरीके के प्रस्ताव भी देख ही लेते हैं इसी बात पे अभी तक हमने ये समझा संसद की आवश्यकता क्यों होती है देश में समझ आ गया क्योंकि संसद पूरे भारत के लिए विधि बनाती है उसकी आवश्यकता है क्यों क्योंकि जितने भी लोग देश को चला रहे हैं उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए एक ऐसी बिल्डिंग चाहिए जहां सबको हम बैठा दें क्यों क्योंकि एग्जीक्यूटिव लाइबल टू लेजिस्लेटिव कार्यपालिका उत्तरदायी है विधायिका के प्रति कोई डाउट हमने संसद बनाई साथ ही हमने संसद को पावर दे दी कि तुम जितने भी राज्य है सबके लिए नियम बना सकते हो तभी राज्य रोते रोते आ गए बोले ना तो तुम हमें केंद्र में बैठा रहे हो ना तो तुम शक्ति दे रहे हो तो बाबा साहब ने कहा कि सभी राज्यों को अपने पैरों पे खड़े होने की शक्ति मिलेगी जिसे प्यार से तुम लोग विधानसभा कहते हो उत्तर प्रदेश विधानसभा उत्तराखंड विधानसभा तभी राज्य बोले पर तुम केंद्र में कोई भी नियम बना दोगे हमें तो पता ही नहीं चल पाएगा तो बाबा साहब ने कहा चिंता मत करो हम राज्यसभा भी बना चुके हैं राज्यसभा का मतलब हर राज्य के प्रतिनिधि भी केंद्र में विधि बनाने में अपना योगदान देंगे कोई डाउट तो राज्यसभा संसद का उद्देश्य तुम समझ चुके हो रूल तुम समझ चुके हो संसद के अंदर कितने बजे सत्र शुरू होता है 11 बजे कितने बजे तक चलता है सर राज्यसभा बड़ी है नहीं राज्यसभा छोटी है तो 5 बजे लोकसभा बड़ी है तो 6 बजे सबसे पहले प्रश्नकाल होता है शून्यकाल होता है खाना काल होता है समझ गए ना खाना काल 1 से 2 बजे तक लंच ब्रेक खाना काल नहीं होता बस लंच लिखा होता है खाना काल भी लिखा होगा तो भैया बोलो जब खा पी लेते हैं तो 2 बजे से 5 बजे और 2 बजे से 6 बजे तक दोनों सदन में कार्य चलते हैं कोई डाउट सर जो लोकसभा चुनाव जीत के आए वो लोकसभा में बैठेंगे जो राज्यसभा चुनाव जीत के आए वो राज्यसभा में बैठेंगे जब राष्ट्रपति को लगेगा कि डेडलॉक की सिचुएशन आ गई है कोई बिल दोनों सदन में पारित नहीं हो रहा तो राष्ट्रपति उनकी ज्वाइंट सिटिंग करा देगा उसकी चिंता मत करो आर्टिकल 108 में मैं पढ़ाऊंगा संयुक्त तो बैठक क्या होती है ये भी तुम्हें समझाऊंगा लेकिन मेरी बात ध्यान रखना राज्यसभा और लोकसभा से पहले समझना पड़ रहा है कि संसद में क्या क्या कार्य होते हैं मीटिंग वही होती संसद की 100% मीटिंग होती हाँ अरे होती है और ये छोड़ो 1272 लोगों की बैठने की व्यवस्था के साथ भूकंप अवरोध 3 भूकंप अवरोध 4 के साथ व्यवस्था के साथ सेंट्रल विस्टा बना को दिया ये तो मैंने बताया था घर पे चाय पी वो सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने और विधायक को प्रभावित करने के लिए ये लाइन समझ नहीं आई सबसे ऊपर से अच्छा देखो मैं पढ़ दे रहा हूँ भारतीय संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों में सदस्य महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा विचार विमर्श यही पढ़ना ना शुरू से सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने और विधायी को प्रभावित का मतलब लॉ बनाने को लॉ मेकिंग समझ गए लॉ मेकिंग यानी लॉ मेकिंग आसान चीज नहीं है जिससे पूरा भारत चल रहा है बजाय आगे बढ़े तो डाउट अरे डाउट जरूरी भाई घर पे डाउट पड़ेगा अब देखो ये संसद के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव होते हैं लेकिन मुझे पता है तुम्हें ये गंदी राइटिंग नहीं समझ आ रही होगी पीले वाले जो निशान है वो गंदी राइटिंग तो मैंने तुम्हारे लिए चीजें आसान कर दी हैं कैसे
पहले तो हिंदी और अंग्रेजी करना था वो तो कर ही दिया, ये है रिजोल्यूशन। और अभी भी तुम्हारे लिए रिजोल्यूशन यहाँ पर जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए मैंने स्लाइड डाल दी है न्यूज़ पेपर की, इसी के साथ इनको लेके प्रश्न डाल दिए हैं और इनकी परिभाषाएं भी लिखी पढ़ें। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि प्रस्ताव क्या होता है, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। प्रस्ताव बेटा संसद के अंदर एक ऐसी विधि, एक ऐसा विधिक प्रक्रिया है। सर विधिक प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि इसके अंदर भी हमें मेजोरिटी यानी बहुमत चाहिए होता है और जो विधायक होते हैं वही बहुमत देते हैं, तो ये विधायी प्रक्रिया का एक अंग है। कोई अब भी बता सकता है कि एक लाइन में प्रस्ताव क्या होते हैं? बताओ आगे बैठने वाले बच्चों, मुस्कान क्या होता है प्रस्ताव? जो लगता हो, नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, कम से कम हो तो क्लास में ट्राई करो। निराकरी क्या होता है? मोशन। प्रस्ताव क्या होता है? छोटी सी बात किसी बात को कह देना बेटा प्रस्ताव ये वो नहीं है, लड़का लड़की रिश्ते आए प्रस्ताव, काका कह रहे थे रिश्ता आया है कुंडली मैच हो गई, वो प्रस्ताव नहीं है कि पहले के वो भेंतीय राजघराने से इंद्र का ठाकुर साहब की वजह से रिश्ता आया। तो मुझे पता था तुम 14 फरवरी तक आ जाओगे, उसमें और भी दिन हुए थे उस दिन, देखो 14 फरवरी को मार्टियर दिवस के रूप में भी घोषित कर देना चाहिए, पता ना सही कौन सा कांड हुआ है। बिल्कुल सही, कर नहीं रही पत्र क्योंकि तुम्हारे जैसों के लिए कर देना चाहिए मतलब। अच्छा आज चरण का जो मैं नहीं समझ पाया, गुड। चरण 14 फरवरी पर विशेष बल देते हुए कह रहे हैं कि उस दिन जो है वो एक खास दिवस मनाया जाता है, कोई बात पूरा फरवरी माह ही इससे पीड़ित है। वैसे तुम्हारे घर में गुड्डा रखा हुआ है तुम उसे फेंक दो, लेकिन उस दिन गुड्डा लेके घूमोगे और चॉकलेट, यही सब दिन तो चलते हैं, पूरा कैलेंडर आता है। सर ये सब चीजें आप नहीं चल रही, हमारे जमाने से चली आ रही। जब हम 8वीं क्लास में थे तो लड़के टेडी और चॉकलेट लेके जाते थे, मैंने कहा जा रहे हो, बोले फरवरी चल रहा है। फिर उसके बाद फिर पता नहीं पुलिस ने 20 से मांग ली है, पता है ना लोग, पुलिस वाज वेरी स्ट्रिक्ट, अब तो कुछ भी करती। पहले तो स्कूलों के बाहर पुलिस वाले रहते थे, गर्ल्स स्कूल के बाहर, और गर्ल्स स्कूल के बाहर पुलिस वाले रहते थे डंडा लेके वर्दी में, और अगर कोई लड़का निकल भी जाता था और उन्हें लगता था ये एज के हिसाब से फिट बैठ रहा है गलत इरादा था तो उसको पकड़ के बाल मुड़वा देते, ऐसे अपने पापा से पूछ पड़े बरेली होता है, और मोहल्लों में लोग गधे पे बैठवा के काला टीका लगवा के निकलवा देते होता है। और कुछ होता है चरण आगे तो इसके बाद तुम्हारी अपनी सामाजिक छवि खत्म नहीं बर्बाद हो जाती है, चलो ठीक है देखो बढ़ जाती है, बोले उससे दूर हो गई है सर। चलो पहली सब चीजें होती थी लेकिन अब ठीक है, अब तुम्हारे फंडामेंटल राइट अचानक से ज्यादा हो गए। अब वीडियो बना लेते ना, देख लो आज बाल काट रहा, कल देख मैं क्या क्या काटूंगा, आपके पता चला चाचा विधायक तो हो गया था। अब ठीक है देखो मोशन के बारे में तुम ये समझ चुके हो कि संसद के अंदर किसी भी जटिल या किसी भी वर्तमान या किसी भी लॉ बनाने के मुद्दे पर कोई भी जो डिस्कशन होता है, डिस्कशन मतलब बहस होती है, चर्चा होती है, और ये जो चर्चा होती है इसी को प्रस्ताव कहते हैं। ये प्रस्ताव कौन लेके आता है? तो बेटा प्रस्ताव कोई भी ला सकता है, चाहे वो सरकार के अंदर हो चाहे वो सरकार के अंदर ना हो, यानी किसी विपक्षी दल का व्यक्ति भी मोशन ला सकता है। अब मोशन जो है बड़े बड़े खतरनाक होते हैं, कैसे अभी तुम्हें पता चलेगा। सबसे पहले तुम इजी वाले मोशन को रिकॉल कर लो, हाँ बिल्कुल, बिना सदस्य नहीं हो तो आप कैसे ले आओ। जैसे मैं चला गया घूमने, मैंने देखा अरे मोशन मोशन चल रहा है, मैंने कागज पे लिखा ने ऐसा ऐसा कर दिया, कहीं भग जाओ यहाँ से तुम सदस्य बोलिए। एडजॉर्नमेंट से रेड आई कोई दिक्कत, यानी स्थगन करने के लिए जो हम लोग एक लेके आ रहे थे आदेश काल के लिए स्थगन, उसे एडजॉर्नमेंट सीनेट आई कहते हैं। इसका एक ही उद्देश्य होता है कि भैया बजट सत्र पूरा हो गया आज खत्म करते हैं, मानसून सत्र पूरा हो गया आज खत्म करते हैं, विंटर सत्र पूरा हो गया आज खत्म करते हैं। अब आता है तुम्हारे लिए सबसे खतरनाक चीज जिसे कहते हैं थर्ड वाला, अभी दूसरा वाला भूल जाओ। कोई ये बता सकता है कि ये जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है ये क्या? वैसे हिंदी बताता हूँ, धन्यवाद प्रस्ताव। कोई बता सकता है ये धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है? सोचो हाँ क्या होता है धन्यवाद प्रस्ताव, प्रयास करो बताने में, तभी तो मजा है, इतने तो क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोगों से। हाँ क्या लगता है बताओ, कोई आगे बताएगा? धन्यवाद प्रस्ताव, अग्रिणी के पापा ने 50 रुपए दिए, अग्रिणी कागज लिख दिया थैंक यू। अच्छा अभी ले लो, चलो ऐसे लड़के बड़े अच्छे होते
ठीक है, देखो वही बात मेरी है। तुम एक आपत्ति पत्र लिखवा के आओ घर से, हमारा बच्चा जा रहा है, जैसा आ जा रहा वैसा ही आएगा। चलो अच्छा देखो मजाक करने, धन्यवाद प्रस्ताव ये होता है, मोशन और थैंक्स ये होता है, जब भी कभी कोई संसद नया सत्र शुरू करती है वहां पर आके बैठ जाती है तो भैया वो उनसे ये कहते हैं कि बताओ तुम्हारे, सबसे पहले ध्यान से समझना, मैं तुम्हारे लिए इसके लिए डेफिनेशन भी लिख के आया हूँ, लेकिन उससे पहले आसान चीज में समझ लो कि धन्यवाद प्रस्ताव जब कोई मेजोरिटी टीम अपने आप को घोषित कर देती है टक टक टक, हाँ हम हैं हम हैं। अभी सुनने में तुम्हें थोड़ा बहुत विश्वास प्रस्ताव की तरह लग रहा होगा, दोनों में अंतर है, समझो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है जब राष्ट्रपति सबसे पहले दिन बजट सत्र के दौरान संबोधित करते हैं, नई सरकार बनके आई उसके बाद जो भी पहला सत्र हुआ राष्ट्रपति जी आते हैं और उस सत्र को शुरू करते हैं, पता है ना ये नियम। तो राष्ट्रपति जी ने जब सत्र शुरू करा उसके बाद वो कहते हैं कि सरकार यहाँ जितनी भी बैठी हुई है सब लोग इस जो गवर्नमेंट हमने बनाई है इसका धन्यवाद करेंगे। तो यहाँ पे एक वोटिंग होती है, जितने लोग सहमत होते हैं वो हाथ खड़ा कर देते हैं, जितने लोग सहमत नहीं होते वो हाथ खड़ा नहीं करते हैं। लेकिन अगर जितने लोग सीटें जीत के आए हैं उससे कम धन्यवाद प्रस्ताव में वोट पड़े तो क्या सरकार गिर सकती है या नहीं गिर सकती? सरकार आई बहुमत से जीत के, हमने कहा कि ठीक है भैया कौन कौन इस सरकार को धन्यवाद कह रहा है अपना हाथ ऊपर करो, तो बेटा कुछ लोगों ने हाथ नीचे कर लिए, कुछ लोगों ने हाथ ऊपर कर लिए, क्या इससे सरकार गिर सकती है? कभी भी इससे सरकार नहीं गिरती है। क्यों? क्योंकि धन्यवाद प्रस्ताव इनफॉर्मल तरीका है। इनफॉर्मल तरीका का मतलब ये होता है कि आप ये देखो मैं लिख के लाया हूं, तो मैंने कोई डेफिनेशन पढ़ो पहले, रुक जाओ ये पढ़ो पढ़ो। भारतीय संसद में धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद के दोनों सदन में सत्तारूढ़ दल के सांसदों द्वारा पेश किया जाने वाला प्रस्ताव है, यानी कि जो सरकार बहुमत से जीत के आई है। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकारी नीति का एक बयान है जिसे कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदन में चर्चा होती है लेकिन इससे कभी सरकार नहीं गिरती। अब इससे अगर सरकार के काम से खुश नहीं है, इसका एक ट्विस्ट समझना, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बताता हूँ। जैसे मैंने क्लास में तुमसे पूछा कि तुम लोग पॉलिटी कितना एंजॉय कर रहे हो, अब क्लास के अंदर बच्चों ने वोट दिया कम, और मान के चलो कि मैं यहाँ पर टीचर तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ यानी गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है मान के चलो, अब बच्चों ने हाथ नीचे कर लिए कि हमें पॉलिटी नहीं समझ आ रही, इस वाले धन्यवाद प्रस्ताव से टीचर नहीं बदला जाएगा लेकिन जो बच्चे टीचर के खिलाफ थे विपक्ष वाले उनको एक मौका मिल जाएगा। अब इसे पार्लियामेंट में फिट करता हूँ, मोदी जी सरकार से कहा गया कि धन्यवाद प्रस्ताव पारित करवाओ तुम्हारी सरकार से, लोग कितना खुश हैं, और इस बात के लिए विपक्षी एक पन्ना बना के दे सकता है कि धन्यवाद प्रस्ताव कराओ धन्यवाद प्रस्ताव कराएगा। अब जैसे ही मोदी जी की टीम में से कुछ लोगों के हाथ नीचे थे, यानी कि ये बात राहुल गांधी देख के मुस्कुरा रहे थे, क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को मौका मिल गया कि ज्यादातर लोग धन्यवाद नहीं कर रहे मोदी जी का, इसका मतलब सरकार से खुश नहीं है। तभी अचानक से राहुल गांधी स्पीकर के पास भाग के गए और उन्होंने अपने बैग से निकाल के दे दिया आप विश्वास प्रस्ताव, यानी धन्यवाद वाला जो ये प्रस्ताव है ये एक तरीके से संकेत करता है कि सरकार से खुश नहीं है और विपक्ष को एक मौका दे देता है कि तुम आप विश्वास प्रस्ताव पारित करो, कोई डाउट? अब जैसे ही भागे भैया हमारे राहुल गांधी जी लेके भागे, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ध्यान से समझना, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सरकार को बहुमत साबित करने के लिए बाध्य करने का औपचारिक प्रस्ताव है। सुनो इस लाइन का मतलब, राहुल गांधी भागते हुए गए और बोले ये लोग अब करवाओ यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव, तो स्पीकर जी ने कहा क्यों? बोले इन्हीं की पार्टी के ज्यादातर लोगों ने इन्हें धन्यवाद नहीं करा, इसका मतलब सरकार में कोई फेरबदल होने के चांस है, सरकार से उन्हीं के लोग सहमत नहीं है, अगर मैं अविश्वास प्रस्ताव को आगे पारित करा के ले गया तो सरकार गिर जाएगी। अब आगे पढ़ो, इसमें लिखा है प्रस्ताव आमतौर पर विपक्षी दल द्वारा लाया जाता है, यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को, अब समझे गेम? इसीलिए अभी 2 महीने पहले तुमने एक घटना सुनी होगी और वो घटना ये, विपक्ष को अपने अविश्वास प्रस्ताव पर भरोसा नहीं, बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, ये मोदी जी खड़े हुए जब 2 महीने पहले के आसपास अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ मूव करा गया था, लेकिन ये मूव करने के पीछे एक साजिश थी संसद की, तुम्हें सुन के मजा आ जाएगा। यस, अब सुनो तो मजेदार बात,
जब भी अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, मेरी बात समझना, नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो पार्टी मेजोरिटी में जिसके पास सीटें ज्यादा हैं तो उसके विरुद्ध अगर पारित कर ले गए तो सरकार गिर जाएगी, अगर पारित नहीं कर पाए, पास नहीं करा पाए तो सरकार का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ठीक उसके बाद जो तुम्हारा पीएम है उसे आकर के सबको एक स्पीच देनी पड़ती है, एंडिंग स्पीच, यानी बताना पड़ता है कि धन्यवाद विपक्ष ने हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करा, लेकिन हम अड़िग हैं, मजबूत हैं, नहीं गिरा पाए, यही हमारे समझदार विपक्ष का उद्देश्य था। क्यों? क्योंकि मोदी जी मणिपुर पे कोई स्टेटमेंट दे ही नहीं रहे थे, उन्होंने कहा हमें पता है कि हम अविश्वास प्रस्ताव को पारित नहीं करा पाएंगे, लेकिन जब मोदी जी आएंगे तो उन्हें मजबूरन बोलना पड़ेगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव का नियम ही यही है, तभी इन्होंने फिर आकर के मणिपुर हिंसा पे स्टेटमेंट दिया था। ये सब्जेक्ट पर इसमें अविश्वास प्रस्ताव 10 15 20 दिन जितने दिन चाहे इस पे बहस चल सकती है कि लाना है कि नहीं लाना, लाता ही इसमें बदल दी है नहीं मिलता जो आप दिन बता रहे हैं चेंज कर दी इसी जमाने में 10 दिन तो 15 20 दिन कोई टाइम नहीं है इस पर। हाँ जो आप कह रहे हो इसमें उन्हें जो आंसर देने की लिमिट है वो होती है, जैसे अगर बिल फेल हो जाए तब उन्हें आना बोले, और जब पारित करा था तो क्या डेट थी बोले बीच हो गया, समझ गए? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनना इसमें भाषा, हाँ मैं बता रहा हूँ जो आपका बेटा सवाल है वो इम्पोर्टेंट है, मैं ऐसे सवाल जरूर लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट हो। इसमें बेटा एक लाइन लिखी है कि आम तौर पर विपक्षी दिल लाता है लेकिन तुम्हारी खुद की पार्टी ही तुम्हारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है, ये ध्यान रखना, अगर आज के समय में बीजेपी के किसी सांसद को लग जाए हमें इसमें विश्वास नहीं कोई मूव कर सकती, ये ध्यान रखना, इसके लिए जरूरी नहीं कि तुम मेजोरिटी या विपक्ष हो, कोई डाउट कोई डाउट कोई समस्या, अब इस आप इस पास ना जाते बिल्कुल ला सकते हो, कोई भी ला सकता है, संसद के अंदर आप विधायक हो, विधायिका लॉ बनाने वाला और आप उसके सदस्य हो, आपको ये अधिकार मिला हुआ है, इसलिए यहाँ आमतौर पर विपक्षी दल ही लाते हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन यहाँ एक वर्ड लिखा है आमतौर पर, मना नहीं है कि कोई भी ना ला पाए, आप बीजेपी में हो तब भी आप ला सकते, आप निपक्ष हो तब भी आप ला सकते, सदस्य होना जरूरी है, बिल्कुल सदस्य होना जरूरी। हाँ जब आपके पास संख्या मैं बता रहा हूँ इसकी जो आप संख्या आप सुनो, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी एक आदमी के खड़े होने पर नहीं लाया जाता, स्पीकर महोदय ये सब पढ़ते हैं तो इसके लिए 50 लोग भी चाहिए होते हैं, 50 लोग अपना हाथ खड़ा करते हैं, बिल्कुल परेशान मत हो, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए मोशन के अंदर लिखी हुई है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, कितने लोग चाहिए, क्या है, सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। अनिश्चित काल वाला क्लियर हो गया होगा शुरू से, उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन अब मुझे तुम्हें एक मोशन और बताना है जिसका नाम है विश्वास प्रस्ताव, किसी ने सुना है? क्या होता है कॉन्फिडेंस मोशन? आज जो हम प्रस्ताव पढ़ रहे हैं ना वो विभिन्न प्रकार के वो सारे प्रस्ताव हैं जो संसद के अंदर सरकारें लाती हैं, सरकारों के विरुद्ध विपक्ष लाते हैं, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन कंसेप्ट समझ के चलना, कंसेप्ट के समय नो जो जहां जो कहेगा वो निकल दूंगा, ठीक है? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, तो बेटा अविश्वास प्रस्ताव तो विपक्ष कभी भी ला सकता है, लेकिन विश्वास प्रस्ताव इतना जरूरी होता है कि जैसे ही नई सरकार बनके आई और नई सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति के संबोधन होने के साथ ही राष्ट्रपति कहते हैं कि अब बताओ वोट दो कितने लोगों को सरकार पर विश्वास है, अगर वहां पे भी लोगों के कम वोट पड़े, लोगों ने हाथ नीचे कर लिया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, ये सबसे गेम चेंजिंग चीज है, इसको समझ के चलना, अगर विश्वास प्रस्ताव ने तुरंत ही राष्ट्रपति ने संबोधन करा, संबोधन करने के बाद उसने कहा कि ये सरकार बनी है 273 सीटों से, आज पहला दिन है, बताओ 273 लोग कौन हो, तो 273 की जगह 72 वोट पड़े और मेजोरिटी नहीं बनी, सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले सरकार तुम्हें एक मौका देती है कि जाओ विप जारी करो, यानी कि अपने लोगों को खींच के लाओ, सरकार बनाओ, तो तुमने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जब गवर्नर ने पूछा, क्योंकि ऐसा विधानसभा के अंदर भी होता है कि तुम्हारी सरकार में कितने लोग हैं, सहमति दो, सहमति दो, तो कई बार सरकारें चुपचाप बैठ जाती हैं,
एग्जांपल दूं, जैसे मान के चलो बीजेपी के साथ जनता दल का अलायंस है, अलायंस का मतलब जोड़ के उन्होंने सरकार बनाई, नतीजा आ गया, एक बात करें, हाँ गठबंधन बिल्कुल सही, अलायंस को गठबंधन कहते हैं। अब जिस दिन संसद का पहला दिन था उस दिन जो गठबंधन वाले 30 लोग थे जिनकी वजह से सरकार बनी थी वो किनारा कर ले रहे, क्यों? क्योंकि उन्हें कांग्रेस ने तोड़ लिया कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, हम तुम्हें ये सुविधाएं देंगे, ये मंत्री बना देंगे। तो इस वजह से विश्वास प्रस्ताव का बहुत बड़ा रोल है, सरकार गिर जाती, यही चीज होती है, उत्तराखंड में भी गिर चुकी, महाराष्ट्र में भी गिर चुकी, बिल्कुल सही, बहुत बड़ा इसके। तो ये छोटी चीजें नहीं है, ये मोशन की जो शक्ति होती है ना, ये शक्ति पूरी पूरी सरकार, यानी अगर तुमने वोट दे के सरकार चुन ली तो कोई पता नहीं आज से 10 दिन बाद वो सरकार देश में शासन करेगी कि नहीं करेगी, सरकार उनकी रहेगी नहीं रहेगी, क्यों? गिर भी सकती है एक मोशन की वजह से। अब देखो ये रहे, जब कोई सत्र शुरू होता है तब राष्ट्रपति जी संबोधन करती हैं, जैसे बजट सत्र में राष्ट्रपति जी आई और इन्होंने भैया साफ साफ कह दिया कि जो सरकार है सत्र शुरू होने से पहले उसका धन्यवाद कितने लोग देना चाहेंगे, तो सब लोगों ने कहा यस यस यस, ऐसे ऐसे टेबल पीटी हाथ खड़े कर लिए। अगर यहीं पर सरकार के विरुद्ध लोग चले जाते तो राहुल गांधी जी तुरंत हंसते और नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके भागते, क्योंकि धन्यवाद प्रस्ताव से सरकार नहीं गिरती लेकिन अविश्वास और विश्वास प्रस्ताव से सरकार गिरती है, ये ध्यान रखें। मैंने नोट्स में टैगलाइन लिख दी है और ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये बड़ा अच्छा न्यूज़पेपर है, द स्टेट्समैन, अभी 6 अक्टूबर 2023 की घटनाक्रम है और आज कितनी डेट है, अब समझ जाओ तुम्हारा टीचर तुम्हारी क्लास में आने से पहले कितना अपडेटेड रहता है। आज की न्यूज पढ़ी, आज ये चीज मिली एंड आई सिंपली उठा के इसको यहाँ पर ले आया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों के पास इंग्लिश न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, पीलीभीत में टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, एक दिन पुराना आएगा द हिंदू, वो भी बेकार, तुम्हारे किसी काम का नहीं। तो ये आज की सुबह की न्यूज थी और क्या हुआ वो तुम लोगों को क्या हुआ देखो। तो अगर आज की भी कोई न्यूज है, मैं अपनी स्लाइड सुबह 4 बजे उठ के अपडेट करने का प्रयास करता हूँ कि तुम लोगों को कोई इश्यू ना हो। तो जब भी कोई सत्र होता है, कुछ होता है, सब मोशन ऑफ थैंक्स आता है, ये द स्टेटमेंट न्यूज पेपर का आज का आर्टिकल है, कोई डाउट? कोई डाउट? तो यानी तुम वो पढ़ रहे हो, हाँ मुझे नए सत्र के शुरू होने से पहले इन्होंने एक डेट दे दी है कि नया सत्र आएगा तो हम तुमसे ये पूछेंगे कि सरकार ने बजट पे काम कैसा करा, धन्यवाद देना चाहोगे कि नहीं देना चाहोगे, यही तो पूछेंगे, काम का शुक्रिया जरूरी है, बजट का पूछो, किसी चीज का पूछ लो, 370 आर्टिकल हटाया कितने यही तो लिखा है, पढ़ो। अब आ जाओ आगे, ये लिखा है आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रपति संबोधित करती है, अभी किसी काम का नहीं, आपको बस इसमें एक ही चीज याद रखनी है जो लाइट कलर से मैंने लिखी है, दैट इज नियम 17, दैट इज नियम 17 बेटा, ये नियम 17 याद रखिएगा, क्या याद रखना है, नियम 17। ठीक है, ये रहा रूल 17 याद रखना, इसी के तहत में क्या चीज होती है, इसी के तहत मोशन ऑफ थैंक्स मूव होता है, ठीक है, मोशन ऑफ थैंक्स मूव होता है इसी के चलते। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको दिखाई दिया था, हाँ ये सबसे अच्छा है, ये उन बच्चों के लिए है जो नहीं सुधरता है, कैसे बेटा व्यवस्था का प्रश्न मोशन, क्लास शुरू होती है 9 बजे लेकिन आज काफी कम लोग लेट आए, आज को लेट नहीं आया, दरवाजा नहीं, मैं 9 बजे से पहले आया था, क्लास इसलिए डेट से शुरू हुई, कैमरा जो है वो अपने आप चला गया, देखो कौन लेट, अच्छा पता नहीं चलता, देखो सामने एक दिन सूरज जो है, मैंने सूरज को मैसेज करा, सूरज 9 बजे क्लास है, सूरज आया 9:30 पे, अगले दिन 9:38 पे, अगले दिन 10:30 पे, अगले दिन आए नहीं। तो जब ये इनका रोज रोज इस तरीके का रवैया हो गया, तो एक दिन मैं उठा और मैंने उठने के बाद स्पीकर महोदय के सामने एक पर्चा दिया और उस पे लिखा हुआ था व्यवस्था का प्रश्न प्रस्ताव। तो वो क्या होता है बेटा, जब कोई गंदे कपड़े पहन के संसद आ जाए, अजीब बदबूदार, समझ रहे हो क्या है, कैसे चटक पटक पहन के आ गए, कोई तरीका है, जब कोई लगातार लेट आए, जब किसी की ड्रेसिंग खराब हो, जब कोई एटिकेट्स मेंशन ना करे, जब कोई अभद्र ऐसी भाषा बोल दे जो संसद में तुम्हें विशेष अधिकार में भी नहीं दी गई है, विशेष अधिकार में तुम्हें ये मिलता है कि तुम दूसरे मंत्री की अवहेलना करो, ये नहीं तो अन्य प्रकार के हिंदी साहित्य के शब्द फेंकते हो, ठीक है, तो अगर तुमने हिंदी साहित्य बोलने का प्रयास किया संसद के अंदर, जो हिंदी साहित्य तुमने मोहल्ले में टपरी वाले दादा के मुंह से सुना है,
जो मोहल्ले में तुम छोटे बच्चों से कह के भगा देते हो, अगर तुमने ऐसा कोई साहित्य बोला तो तुम्हारे खिलाफ एक मोशन मूव हो जाएगा जिसे कहते हैं व्यवस्था का प्रश्न मोशन। समझ गए ये कहाँ लिखा हुआ है? तो बेटा ये लिखा हुआ है लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम, यानी रॉ कॉ, कोई डाउट? क्योंकि संसद भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, डिसिप्लिन्ड रहता है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि सब्जी ले लो चल रहा वहां पे, तो वहां पे भी लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई। हाँ अगर वो एलिगेशन लगता है बजट सत्र के दौरान, और कोई अभी मैं बताता हूँ आगे वही मोशन है। चलो बढ़िया, कोई डाउट? ये देखो इसके बारे में लिखा है, संसद प्रक्रिया में व्यवस्था का प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब कोई विचार विमर्श सभा की बैठक में विश्लेषण के उल्लंघन की ओर ध्यान आकर्षित करता है, यानी सदन की कार्रवाई प्रक्रियात्मक सामान्य विद्युत का पालन नहीं किया जाता तो कोई भी सदस्यता व्यवस्था, कोई भी सदस्य का मतलब जरूरी नहीं है कि बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, सवाल उठा सकता है। ये देखो किसान बिल पे उठाता 22 सितंबर 2020 की न्यूज है। व्यवस्था पे इसलिए प्रश्न उठाता क्योंकि किसानों के लिए कुछ ऐसे वर्ड और बहुत सी चीजें बोली गई थी जिसको लेकर के पॉइंट ऑफ ऑर्डर मोशन मूव कर दिया गया था। तो लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट मस्ट नॉट अब्रिज राइट ऑफ, चलो तो मैं अंग्रेजी पढ़ के दिखाता हूं। कौन है सीबीएसई का जो बढ़िया लाइन पढ़े तीन अंग्रेजी हिंदी वाले, कोई है? पढ़ो कौन है? हाँ अग्रिनी जरा पहली दो लाइन पढ़ना, सुनो और थोड़ी तेज आवाज आए। हाँ राज्यसभा से पढ़िए, राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश रिफ्यूजल्स टू कंडक्ट अ डिवीजन ऑफ वोट्स ऑन टू कंट्रोवर्शियल पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन ऑन संडे डिस्पाइट परसिस्टेंट डिमांड्स फ्रॉम मेंबर्स फॉर बस बस हो गई होगी। पैसा बेकार अनप्रीसीडेंटेड इन द शी बिजनेस द बिल इन क्वेश्चन हैव बीन चैलेंज्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिकल ग्राउंड बट दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। The rules of the procedure regarding voting are unambiguous that if a voice or vote is challenged, vote shall be taken by the operating the automatic vote recorder. बस तो देखो सामने नहीं चाली बैंड जरूर सीबीएसई जिंदा आप गिरे नहीं बिचारे सोच रहे हैं इंसल्ट कर रहे हैं, इंसल्ट नहीं ऐसा है। देखो आप मेरी बात सुनो, इस न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद ना अग्रणी अंग्रेजी से हिंदी कर पाई थी ना मैं अंग्रेजी से हिंदी कर पाया। अब तुम जरा ये सोचो जब सी सेट में तुम्हें यहाँ से कोई सवाल आएगा तो तुम क्या पेपर में ये लिखोगे कि हिंदी कर दो। इसीलिए मैं आज तुम्हें एक चैलेंज के रूप में और ये चीज दे रहा हूँ कि बेटा थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में कमांड करना शुरू कर दो। अंग्रेजी के ये जो अनप्रेसिडेंटेड वर्ड है ना अग्रणी एक बात में बता पाई थी ना मैंने डिक्शनरी मीनिंग देख करके समझ पाया था, पहले मुझे अनप्रेसिडेंटेड का मतलब निकालना पड़ा। तो सीबीएसई वालों की अंग्रेजी बेस्ट इसलिए होती है वो ग्रामर ग्रामर सब भाड़ में मिला देते हैं, वो बस ये कहते हैं ड्रिंक सम वाटर। अब ये कोई स्टेटमेंट थोड़ी है, अब पता चला ये बोल रहा है कह रहा है हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, बड़ा अच्छे से बोल रहा है। तो हम लोग ग्रामर की यूज में गलतियां करते हैं सीबीएसई वाले, लेकिन सी सेट में तुम्हें ऐसा ही पैरा मिलेगा। अब तुम उसमें शील प्रेजेंटनेस अनप्रेसिडेंटेड जैसे वर्ड का मतलब निकालोगे। ये तुम्हें इसलिए बताने के लिए था कि जिन बच्चे हिंदी और अंग्रेजी में आज भी भ्रमित हैं तो ऐसी भ्रामक खबरों में ना रहें, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी सीखो। समझ गए? हो सकता है यही पैरा उठ के आ जाए सी सेट में सर का, हो सकता है विभाग देंगे विभाग करेंगे। देखो चलो बढ़े आगे, समझ गए? चलो भाई ये है सोनू का फेवरेट बिल। एक दिन संसद में हमारे सोनू पहुंच गए, सोनू ने अपनी स्पीच इतनी वायरल करी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डायरेक्टली इनको उठा के ले गए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के अंदर 12 लोग नामांकित भी होते हैं। उन्होंने ले लिया सोनू को अनएक्सपेक्टेड पर्सनालिटी के रूप में कि भाई गजब आदमी, अब सोनू मजा आएगा। सुनो अब एक दिन सोनू संसद में बैठे थे तो कुछ लोगों ने कह दिया चले आए अभी से सभी क्लास से देखो, तो सोनू ने तुरंत कह दिया बाहर। सोनू भैया स्टार्ट करने लगे शाउटिंग, डराने धमकाने लगे। अगर कोई भी मंत्री किसी को भी डराता धमकाता है संसद के अंदर या कहता है इस तरीके का कोई वर्ड कि आजा तुझे देख लूंगा, तो बेटा तुम्हें या उस व्यक्ति को जो डराया गया है उसे हमेशा अधिकार होता है कि वो मूव कर सकता है निंदा प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? जी हाँ निंदा प्रस्ताव नहीं निंदा प्रस्ताव। देखो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम्हें एक आदमी डरा सकता है, पूरा मंत्रिमंडल भी डरा सकता है, पूरी सरकार भी डरा सकती है, तुम्हें पूरी संसद भी डरा सकती है। तो इसलिए निंदा प्रस्ताव किस किस के खिलाफ मूव करा जा सकता है, व्यक्तिगत मंत्री के खिलाफ भी,
व्यक्तियों के समूह के खिलाफ भी, पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ भी बोलता है। डाउट? यानी सर इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे अंग्रेजी में कहते हैं बेटा सेंसर मोशन। ये गवर्नमेंट के खिलाफ, किसी एक मंत्री के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ वोट किया जा सकता है। सर हमें नहीं लगता भारत में ऐसा कभी हुआ होगा। लो बेटा देखो जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो हो रहा है, और अगर वो हो रहा है तो उससे पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए मैं तुम्हारे लिए टाइम्स ऑफ इंडिया को थोड़ा ट्रांसलेट मार के ये लेके आया हूँ। और देखो ध्यान से, ये लखनऊ की खबर है, इसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया, निंदा प्रस्ताव आया है, मैं पढ़ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य उमेश द्विवेदी ने 6 अगस्त को अमरोहा जिले में एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भारत माता की जय के नारे का विरोध करने के लिए बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया कि तुमने जो ये बात बोली है ये बड़ा दयनीय है, ये बड़ा घटिया बात है, इससे हमारे देश की डेमोक्रेसी को खतरा है, तुमने फैक्ट क्यों नहीं बोला? तो भैया इन्होंने कह दिया कि आजा तुझे दिखाता हूँ मैं निंदा प्रस्ताव। तो ये जो तुम खबरें पढ़ोगे ना न्यूज पेपर में, उसमें ये जो मोशन के वर्ड आएंगे तो अब तुम्हें समझ आने लगेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या। अरुण समझ गए, ये रहा तुम्हारे सामने रिपोर्ट। और सुनो, ये 10 अगस्त की ही रिपोर्ट है 2023 की। अब तुम अखबार कम पढ़ते हो तो मैं क्या करूं? ठीक है, अभी भी नीचे सोच रहे होंगे योगी जी का पूरा फोटो नहीं आ पाया बेटा, वो ऐसा ही छपा हुआ था। बेटा संसद और विधानसभा, सॉरी बेटा कहीं से भाई के बड़े भाई, मेरी बात सुनो, जितने भी ये प्रस्ताव जो है भैया संसद में पारित होते हैं, विधानसभा भी लॉ बनाती है, वहाँ भी इस तरीके के प्रस्ताव पारित होते हैं। संसद के खिलाफ प्रस्ताव अगर तुम पहले न्यूज पढ़ो क्या, अरे क्या याद है आप क्या बोलो, तुम पहले न्यूज पढ़ो, न्यूज करो पढ़ो बजा पढ़ो जरा ध्यान से पढ़ना। रुक जाओ, उत्तर प्रदेश के बाद क्या लिखा है? बस विधान परिषद इस सेम लाइक राज्यसभा बात करता हूँ, वहाँ एमएलसी एमएलसी की बात तुम ला सकते हो, क्या लिखा करो क्यों नहीं लाया जा सकता? चलो अभी कम पढ़ोगे जो तुम सवाल पूछ रहे हो पढ़ोगे। अरे दिखाओ तो दिखाओ, तो थाना जाओ, न्यूज़ें चल रही हैं वहाँ पे, हमारे बजाय बिजार लेजिस्लेटिव काउंसिल पहुँच गए। चलो आगे बढ़े, एक कुछ और डाउट है वो भी ले लेंगे, उससे पहले और देख लो क्योंकि टाइम भी हो चुका है। लेकिन हाँ, कल का मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ कि कल हम लोग क्या पढ़ेंगे। वैसे आज ही पढ़ना था लेकिन तुम तो थोड़ा पढ़ के आना, कल हम पढ़ेंगे फिल्म जहाँ मंत्री परिषद होगा सीधा रखेंगे, यही सब लोकसभा, इसीलिए विधान परिषद में होगा, विधान का होगा पेश किया जाता है, जिंदा प्रस्ताव चलो भैया देखो बिल क्या हुआ इधर, तो दिक्कत अगला हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बिल पढ़ेंगे, ठीक है? चलो फिर यहीं पर रेस्ट करते हैं, टाइम हो गया सभी आने वाले, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, कल बिल पढ़ के आना, ठीक? इसमें कल तुम्हें बताएंगे ये बिल साधारण विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या है, वित्तीय विधेयक पहला कौन सा है, संविधान, ये सब है। अब आज वैसे टॉपिक ओवर हो जाता है लेकिन चलो कोई बात नहीं, मजा आएगा। चलो हाँ वो बंद कर दी, गिरा देती है।